नमस्कार, आज हम 12th क्लास हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का अगला टॉपिक देखेंगे, माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक शिल्प उत्पादन में देखा था कि उसके लिए कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे कि मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, धातु आदि। इसमें से मिट्टी जो कि कुछ जो कच्चे माल होते हैं जो स्थानीय जगह पर मिल जाते थे, जैसे कि मिट्टी जो कि हर निवास स्थान पर मिल जाती है हमें, ठीक है। इसके अलावा और कुछ जो कच्चे माल होते थे जैसे कि पत्थर, लकड़ी, धातु, उनको बाहर से मंगाना पड़ता था। बैलगाड़ी के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। मिट्टी के बनी हुई बैलगाड़ी मिली है, इससे यह संकेत मिलता है कि जो उस समय का परिवहन का जो साधन था वो मुख्य रूप से बैलगाड़ियाँ थीं, उनके द्वारा ही यात्राएं की जाती थी तथा सामान को उनके द्वारा ही ढोया जाता था बैलगाड़ियों के द्वारा, ठीक है। और इसमें अगला देखेंगे, जैसे हम लगे उप महाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल, मतलब कुछ उप महाद्वीप हैं उनसे और उससे भी जो ज़्यादा दूर थे उनसे माल हम किस प्रकार प्राप्त करते थे। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो शिल्प उत्पादन का जो माल लाने के लिए, जो कच्चा माल होता था उसको प्राप्त करने के लिए कई तरीके, कई प्रकार के योजनाएं बनाते थे, कई तरीके अपनाते थे। जैसा कि उदाहरण में दिया गया, उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था बस्तियाँ स्थापित कर ली। जैसे कि अब नागेश्वर और बालाकोट जो हैं, नागेश्वर और बालाकोट, तो वहाँ पे क्या शंख ज़्यादा मात्रा में मिलते थे, तो हड़प्पा वासियों ने क्या किया, वहाँ पे ही एक बस्ती स्थापित कर ली। ऐसे ही कुछ अन्य पर्यस्थल भी हैं, जैसे कि जो कि दूर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में सोर्दगोई नामक स्थान है जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मनी के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था, ठीक है। इससे हमको पता चलता है कि एक और स्थान था जहाँ जहाँ पर नीले रंग का लाजवर्द नामक जो पत्थर मिलता था वहाँ पे क्या, जो कि अफगानिस्तान के सोर्दगोई में, तो वहाँ पे मतलब इसके स्रोत मिले हैं, तो वहाँ पे भी हड़प्पा वासियों ने क्या बस्तियाँ बना ली थी, ठीक है। इसके अलावा लोथल जो कि कार्निलियन और सेलखड़ी, लोथल है वो कार्निलियन, जो कि कार्निलियन के लिए, मतलब लोथल कहाँ पे, गुजरात में, गुजरात, तो वहाँ पे कार्निलियन पत्थर मिलता था, ठीक है। और सेलखड़ी जो पत्थर होता था वो राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से मिलता था, और धातु राजस्थान से के निकट स्रोतों में स्थित थे। इस प्रकार जहाँ पे जो चीज़ स्थित थी, मतलब हाँ, वहाँ पे हड़प्पा वासियों ने क्या अपनी बस्तियाँ स्थापित कर ली थी। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी, देखो, एक तो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा वासी लोग क्या करते थे कि जहाँ पे जिस माल की उपलब्धता होती थी वहाँ पे एक बस्ती स्थापित कर दी जाती थी, ठीक है। और अब आगे देखते हैं, कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी, राजस्थान के खेतड़ी अंचल है राजस्थान का, जहाँ से हम तांबा प्राप्त करते थे, तथा दक्षिण भारत जैसे कि तमिलनाडु वगैरह, यहाँ से क्या सोना प्राप्त करते थे, क्षेत्रों में अभियान योजना चलाई थी उन्होंने, ठीक है। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक तो ये हो गया कि उन्होंने, मतलब जहाँ पे किसी चीज़ की उपलब्धता होती थी वहाँ पे क्या कर देते थे, बस्तियाँ स्थापित कर देते थे। और दूसरा क्या, एक अभियान योजना चलाई थी, अभियान चलाया था, मतलब इसमें क्या होता था कि जैसे कि राजस्थान का जो खेतड़ी है
वहाँ पे क्या तांबा ज़्यादा मिलता है, तो क्या क्या करते थे वहाँ के जो स्थायी लोग रहते थे, वहाँ पे जो लोग रहते थे उनसे क्या कर लेते, संपर्क स्थापित कर लेते थे, ठीक है। और इसी प्रकार दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत में सोना मिलता था, तो वहाँ के लोगों से भी इन्होंने क्या, वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, मतलब जो वहाँ पर निवास करते थे स्थायी रूप से, उनसे संपर्क स्थापित करके कच्चा माल प्राप्त किया जाता था। इन इलाकों में यदा कदा मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। मतलब ये इन इलाकों में क्या मिलता है, हड़प्पा सभ्यता की कुछ पुरावस्तुएं मिलती हैं, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे उन्होंने यहाँ के जो स्थायी निवासी थे उनसे संबंध स्थापित करके कच्चे माल को प्राप्त किया होगा। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेशपा जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता के पुरा वस्तुएं मिली हैं, उन्होंने क्या उसके आधार पर पुरातत्वविदों ने, यानी कि जो खोजकर्ता हैं, उन्होंने क्या किया है, उसको गणेशपा जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से भिन्न थे, तथा यहाँ तांबे की असाधारण संपदा मिली थी। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हर सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। देखो, इस सभ्यता के जो मृदभांड मिले हैं, मृदभांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो क्या थे, जो गणेशपुरा जोधपुरा संस्कृति जिसको नाम दिया है, वो उसके मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है, और वहाँ पे क्या मिला है, गणेशपुरा जोधपुर संस्कृति जिसको नाम दिया है, वहाँ पे तांबे के भंडार हमको प्राप्त हुए हैं। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा इन लोगों से प्राप्त करते थे। क्षेत्रों से संपर्क, मतलब जो दूर क्षेत्र होते थे उनसे कैसे संपर्क किया जाता था कच्चा माल प्राप्त करने के लिए, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। अभी हाल ही में कुछ खोजें हुई हैं, इनसे ये पता चला है हमें कि कुछ तांबा कहाँ से मंगाया जाता था, अरब प्रायद्वीप जो है वहाँ के दक्षिण पश्चिम छोर पर, जो ओमान देश है, वहाँ से लाया जाता था, ठीक है। तो क्या तांबा लाया था, मतलब जो कि हड़प्पा से बहुत दूर स्थित है। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं कि ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुएं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। जहाँ पे जो ओमान से जो तांबा मिला है, तो उसमें क्या रासायनिक विश्लेषण करने पर उस पे उससे ज्ञात हुआ है कि उसमें निकल के अंश, निकल जो कि एक धातु है, उसके अंश भी उसमें मिले हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है, या इस बात के संकेत मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और ओमानी जो स्थान है उसमें क्या साझा किया जाता था, मतलब एक वस्तु ली जाती थी और उसके बदले में दूसरी वस्तु दी जाती थी। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात, अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमान स्थलों से मिली है। देखो, एक विशिष्ट प्रकार का पात्र मिला है ओमान से, जो कि हड़प्पा का था। ओमानी स्थल से क्या मिला है, एक विशिष्ट प्रकार का पात्र है जिस पर कि काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ी हुई थी, जिससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा और ओमानी स्थलों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का तांबे से विनिमय करते थे, ठीक है। इस जैसा कि आपने अभी देखा,
हमें ये चित्र में दिख रहा है, इस पर काली मोटी मोटी परत चढ़ी हुई है मिट्टी की, ठीक है। तो इससे हमें ये तो ज्ञात नहीं होता कि इस पात्र में क्या रखा जाता था, लेकिन जो पात्र मिला है हमें वर्तमान, इससे हम ये अनुमान जरूर लगाते हैं या इस बात के संकेत हमें जरूर मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तामे ओमानी जो तामा था, ओमान से जो तामा लाया था, उसको उसके लिए मतलब इस पात्र में रखकर कुछ सामान ओमानी तामे के बदले में देते थे, ओमानी तामा लेते थे मतलब, और इस पात्र में कुछ जो भी सामान देते हो मतलब जिस भी चीज़ से वो बने में करते हो इस पात्र में रखकर वो देते थे। आगे हम देखेंगे, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए नाम प्रयोग किया गया था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उससे 3 ईसा पूर्व के कुछ लेख मिले हैं, जहाँ पे कि मगान जो क्षेत्र है जो कि ओमान के लिए जिसका नाम प्रयोग है, वहाँ से भी क्या तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं, मतलब कि तांबा के आवागमन के मतलब तांबा ले जाने के क्या मिलते हैं, संकेत मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। देखो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है वहाँ का जो क्षेत्र है मगान, ठीक है, वहाँ पे भी जो तांबा मिला है उसमें भी निकल के अंश मिले हैं, ठीक है, निकल के अंश मिले हैं। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निकल को मतलब वहाँ पे ओमान जो शहर है उसको देते हों और ओमान से तांबा को प्राप्त करते हों। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे बांट पासे तथा मन के शामिल हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि मतलब जो लंबी दूरी 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 लंबी जो हड़प्पा से दूर दूर स्थित जो स्थल थे उनसे संपर्क बनाने का जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं, मोहरे मिली हैं, हड़प्पा की मोहरे मिली हैं, हड़प्पा के बांट मिले हैं, हड़प्पा के पासे मिले हैं, हड़प्पा के मन के मिले हैं। इससे हमें ये संकेत या ये जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता का जो दूर 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 स्थित स्थल थे उनसे भी मतलब कि व्यापार चलता था, ठीक है, उससे उनसे कच्चा माल प्राप्त किया जाता था या कोई वस्तु उनको देगा दूसरी वस्तु उनसे प्राप्त की जाती थी। मेसोपोटामिया से एक लेख प्राप्त हुआ है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि दिलमुन मगान महलुआ इनसे जो कि क्षेत्र हैं उनसे क्या हड़प्पा सभ्यता के संपर्क की जानकारी हमको मेसोपोटामिया में मिले लेख से जानकारी इसके बारे में हमें मिलती है, ठीक है। मेसोपोटामिया में मिले लेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि मेलुआ से जो उत्पाद प्राप्त होते थे जैसे कि कार्नीलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना तथा विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ, इनके बारे में भी हमें मेसोपोटामिया में मिले लेख से जानकारी प्राप्त होती है कि इनका आदान प्रदान हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था। महलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है मतलब कि एक कथन है मेसोपोटामिया में महलुआ के विषय में लिखा गया है जो कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। अब इसका क्या मतलब है कि कई पुरातत्व का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था, इसमें जो दिया गया है कि पक्षी हाजा पक्षी तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे, तो पुरातत्व इसके आधार पर आवाज़ लगाते अनुमान लगाते हैं या मानते हैं
पुरातत्वविदों का मानना है कि जो उसका जो जो हाजापक्षी था वो कौन था, मोर था। और उसका ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उसका जो नाम दिया गया था उसकी आवाज़ के आधार पर मिला था। ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया में संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। ऐसा मतलब अनुमान लगाते हैं पुरातत्व तो जो खोज करते हैं कि ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया है। क्या क्या? ओमान, बहरीन और मेसोपोटामिया, इनका जो मतलब आवागमन किया जाता था वो मतलब माल, कच्चे माल को लाया जाता था या ले जाया जाता था जो भी है, तो उसका जो रास्ता था वो सामुद्रिक मार्ग से किया जाता था। मतलब कि समुद्रों से माल, कच्चे माल को ले जाया जाता था हड़प्पा, और समुद्र मार्ग से ही लाया जाता था। मेसोपोटामिया के लेक महलुआ को नाविकों का देश कहते हैं। मेसोपोटामिया का जो लेक है महलुआ, उसको क्या कहते हैं? नाविकों का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मुहरों पर, जहाजों तथा नावों के चित्रांकन भी पाते हैं उन पर। जहाजों तथा नावों के मतलब चित्र बने हुए हैं। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मेसोपोटामिया, ओमान और बहरीन से जो संपर्क था, तो उसके लिए जो व्यापार किया जाता था, मतलब कि यात्राएं की जाती थी, या मतलब कच्चे माल को लाया ले जाया जाता था, वो तो समुद्री मार्ग से ले जाया जाता था, क्योंकि मोहरों पर जहाजों और तथा नावों का चित्रांकन हमको देखने को मिला है। जैसा कि इन चित्रों में आप उनको देख सकते हैं, इस मोहर में ये नाव का चित्र, नाव या जहाज का चित्रांकन दिया हुआ है, और ऊपर भी इसमें ये पक्षी का चित्रांकन दिया हुआ है। ठीक, तो ये अनुमान लगाते हैं कि ओमान, बहरीन तथा मेसोपोटामिया से जो हड़प्पा का व्यापार किया जाता था, या मतलब सामान को ले जाया लाया जाता था, या आवागमन जो भी होता था वो समुद्री मार्ग से होता था मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन तथा हड़प्पा के बीच।